नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करूँगा और आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करूँगा कि कैसे सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को अप्रोच किया जाना चाहिए। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग कंडीशन होती है जिसके लिए ट्रीटमेंट लेना अक्सर पेशेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और साथ ही साथ डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट भी इस बीमारी के लिए ट्रीटमेंट नहीं दे पाते या उनके लिए भी समझाना पेशेंट को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन्हें जो मेडिकल कंप्लेंट्स आ रही हैं फिजिकल डिसीजेस को लेकर जो उनकी प्री ऑक्यूपेशन है उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाकर टेस्टिंग कराना बार बार उनसे कंसल्ट करना इसकी बजाय उन्हें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर फोकस करना चाहिए या ये कहें कि उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। पर इस चीज़ को और इस बेसिक से आइडिया को पेशेंट्स अक्सर नहीं समझ पाते और ऐसे में क्या होता है कि वो अक्सर अलग अलग डॉक्टर्स के पास विजिट करते ही रहते हैं और अगर कभी वो विजिट बंद भी कर दें तो भी उनका वो जो प्रॉब्लम है वो जाती नहीं है और वो किसी ना किसी लेवल पर इस डिस्ट्रेस से डील करते रहते हैं कि उनका जो सिम्टम है वो जा नहीं रहा है और साथ ही साथ वो सिम्टम जो है वो किसी बड़ी भयंकर बीमारी का कोई इंडिकेशन हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं स्पेशली यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स किस तरह से सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को अप्रोच करते हैं या ये कहें कि अगर हम सिस्टमैटिकली देखें तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को किस तरह से अप्रोच किया जाना चाहिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए किन स्टेप्स का किन पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है और इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। 6 ऐसे स्टेप्स के बारे में मैं यहाँ चर्चा करूंगा जो कि बेसिकली केयर एमडी अप्रोच कही जाती है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में। केयर एमडी क्या है, ये 6 अलग अलग स्टेप्स हैं जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। केयर एमडी एक्चुअल में एक एब्रीवेशन है जिसमें सी का मतलब होता है बेसिक कंसल्टेशन, इनिशियल कंसल्टेशन मतलब अपने साइकाइट्रिस्ट या अपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आप पहले फिजिशियन के पास गए या जो भी किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास आप गए होंगे तो उन्होंने कहा कि भाई ये स्ट्रेस या एंजाइटी से रिलेटेड है, आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाओ, साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ या साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, आपको थेरेपी की जरूरत है, आपको काउंसलिंग की जरूरत है, आपको एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस की जरूरत है। तो अब आप क्या करते हो, आप कंसल्टेशन लेते हो अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। अब वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल क्या करेगा, आपकी पूरी डिटेल्स लेगा, केस स्टडी करेगा, सारे आपके पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानेगा, हर तरह के जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं वो जानेगा, मेंटल डिस्ट्रेस, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, आपकी फंक्शनिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब जानेगा और जो भी आपका जो सिम्टम है उसके प्रति आप कैसे प्रीऑक्यूपाइड रहते हो, कैसे वो आपको परेशान करता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स आप ले चुके हो, किस किस तरह से ट्रीटमेंट्स का रिलीफ मिला है, ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स को भी अगर आपने अप्रोच किया है वो भी जानेंगे, हर तरह की डिटेल्स वो लेंगे और इस तरह से एक डेफिनेट डायग्नोसिस की तरफ वो पहुंचने की कोशिश करेंगे और वो समझेंगे कि हाँ ये साइकोजेनिक कॉज हो सकता है, मतलब ये साइकोलॉजिकली किसी तरह से ओरिजिनेट हो रहे हैं आपके सिम्टम्स जिसका कि कहीं ना कहीं रूट जो है वो आपके स्ट्रेस या एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लेवल्स में हो सकता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज आता है ए, केयर एमडी का स्टेप आया सेकेंड वाला ए मतलब असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर अब डॉक्टर क्या कहेगा आपको कि भाई अब पहले तो मेडिकल टेस्ट करा लो या कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए आपको रेफर करेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, तो उसके लिए आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट, आपके सिम्टम्स का असेसमेंट, स्ट्रेस और एंजाइटी के लेवल्स का असेसमेंट, ऐसा काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होगा जिसके अंदर आपका एक साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन किया जाएगा। साथ ही साथ साइकेट्रिक टेस्ट के लिए भी आपको किसी तरह का मान लो अल्ट्रासाउंड हो गया, MRI हो गया, CT स्कैन हो गया, किसी ऐसे टेस्ट के लिए भी वो आपको रेफर कर सकते हैं रूल आउट करने के लिए, मतलब ऐसी संभावना को खत्म करने के लिए कि आपको एक्चुअल में कोई मेडिकल डिसीज है या नहीं। अगर वो मेडिकल डिसीज है तो उसी का ट्रीटमेंट दिया जाएगा और फिर आपको एक रिलेवेंट मेडिकल प्रोफेशनल की तरफ रेफर कर दिया जाएगा। पर क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ मेडिकल डॉक्टर से मिलके साइकेट्रिस्ट के पास आए हो तो चांसेस इसके कम है कि साइकेट्रिस्ट आपको किसी मेडिकल टेस्ट करने के लिए बोले। किसी किसी केस में ऐसी संभावना हो सकती है कि अगर आपको बहुत जल्दी किसी साइकेट्रिस्ट को रेफर किया गया हो तो वो आपको MRI CT स्कैन जैसा कोई टेस्ट करने को बोल सकते हैं, पर ज्यादातर केसेस में MRI CT स्कैन के लिए नहीं बोलते डॉक्टर्स।
सीधा वो आपको रेफर करते हैं साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन के लिए। तो जो भी इवेल्युएशन होती है उसके बाद आपका मेडिकल और जो भी रिलेवेंट साइकेट्रिक दूसरे डायग्नोसिस हो सकते हैं उनको रूल आउट किया जाता है और एक डेफिनेट डायग्नोसिस बनाया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं। तो सोमेटिक सिम्टम के अलावा आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है या कोई भी स्ट्रेस आपको आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब्सटेंस अब्यूज भी इसमें देखा जा सकता है। तो ये जो सारे जो रिलेवेंट जो फैक्टर्स हो सकते हैं साइकेट्रिक या मेडिकल नेचर के, इन सबको आइडेंटिफाई किया जाता है और इन सबको ध्यान में रखते हुए आपका एक डेफिनेट डायग्नोसिस दिया जाता है, जो कि अगर आपको सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर है तो क्लियर कट आपको ये एस्टेब्लिश कर लिया जाएगा कि ये आपका डायग्नोसिस है, आप इस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। अब तीसरा स्टेप आता है केयर एमडी अप्रोच का, आर मतलब रेगुलर विजिट्स देना है अब आपको साइकेट्रिस्ट को। रेगुलर विजिट्स का मतलब यहां पर क्या है, आमतौर पे क्या होता है कि जो सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं वो अपने डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, साथ ही साथ वो जब जब उनको परेशानी होती है, जब जब वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस फील करते हैं तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर के पास फिर से अपनी एग्जामिनेशन के लिए, टेस्ट के लिए चले जाते हैं और दिखाने जाते हैं कि मेरे को आज ये प्रॉब्लम हो रही है, आज मेरा ये सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब फिर से चेक करो, फिर से देखो। अपने डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए साइकाइट्रिस्ट या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो आपका एक रेगुलर विजिट का शेड्यूल डिफाइन करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप डॉक्टर के पास तब नहीं जाएंगे सिर्फ जब आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब आपको बहुत पैनिक अटैक हो रहा है या आपको एंग्जाइटी हो रही है या आप डिप्रेसिव बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं या आपका सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तब आप सिर्फ नहीं जा रहे, आपको वो कहेंगे कि आप हमें हर 3 से 4 दिन बाद थोड़े थोड़े ब्रीफ कंसल्टेशन के लिए मिलते रहो, थोड़े थोड़े टाइम के लिए रेगुलर पीरियड पर, रेगुलर इंटरवल पर आप डॉक्टर से वैसे ही मिलने जाओगे बिना किसी शिकायत के, या अगर कोई बड़ी शिकायत है छोटी शिकायत है वो मैटर नहीं कर रहा है यहां पे, यहां मैटर कर रहा है कि आपको एक शेड्यूल किया जाएगा डॉक्टर के पास जाने की आपकी विजिट्स को। तो रेगुलर विजिट डॉक्टर के पास जाने की आपकी डिसाइड की जाती है। तो डॉक्टर बेसिकली यहां क्या कर रहा है कि सोमेटिक सिम्टम प्रॉब्लम होने की वजह से अक्सर लोगों की आदत होती है, वो बार बार डॉक्टर्स के पास जाना उनको पसंद आने लगता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट जानते हैं कि जिन लोगों को सोमेटिक सिम्टम प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अक्सर डॉक्टर की मेडिकल अटेंशन लेने की आदत हो जाती है, उनको अनकॉन्शियसली ऐसा लगता है कि कोई और अगर उनकी केयर नहीं कर रहा या किसी तरह की उनको क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर की और हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी लोगों की अटेंशन मिलती रहे। तो उस अटेंशन की नीड को पूरा करने के लिए पेशेंट को कहा जाता है कि आप रेगुलर डॉक्टर से मिलने जाओ या डॉक्टर जो है आपको अपने पास बुलाता है। तो ये जो रेगुलर विजिट का जो अप्रोच है, स्टेप है, ये साइकोलॉजिकल नेचर का है, आपकी साइकोलॉजिकल नीड जो अटेंशन सीकिंग नीड है उसको पूरा करने के लिए ये रेगुलर विजिट का पूरा प्लान बनाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप रेगुलर विजिट्स देकर डॉक्टर के साथ अपने सिम्टम के प्रति, अपने डिस्ट्रेस के प्रति, अपनी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके प्रति डॉक्टर का अटेंशन ले पाते हो, डॉक्टर का पूरा कंसर्न आपको मिल पाता है। और यहां पर एक बात और बताऊं, आप सिर्फ डॉक्टर के पास जाके अपना टाइम खराब करने नहीं जा रहे हो, डॉक्टर वहां पर सिर्फ आपको बुलाने के लिए नहीं बुला रहा, आपका पैसा खर्च नहीं करा रहा, सही तरीके से अगर डॉक्टर आपके इस ट्रीटमेंट को अप्रोच करेगा केयर एमडी अप्रोच से तो वो आपको एक्चुअल में कंसर्न देकर सुनेगा, आपके उस सिम्टम को एक्चुअल में एड्रेस करेगा, वो सुनेगा, समझेगा, रिकॉर्ड कर सकता है या सिर्फ आपको सुन सकता है कि आपको क्या क्या तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में इस स्टेप की बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत रिलेवेंस है। दूसरी एक और चीज यहां ध्यान देने की है कि अक्सर जो पेशेंट बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो लंबे ड्यूरेशन की वजह से, मतलब एक कंसल्टेशन और दूसरी विजिट के बीच का जो अगर गैप है वो बहुत लंबा हो जाता है, तो पेशेंट उस पूरे दौरान, मान लो 15 दिन तक आपने डॉक्टर के यहां विजिट नहीं किया या 1 महीने तक आपने डॉक्टर के यहां विजिट नहीं किया, तो इस 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपका जो सिम्टम से रिलेटेड डिस्ट्रेस है वो इतना बढ़ चुका होगा या आपके दिमाग में इतनी नेगेटिव थॉट आ चुकी होंगी कि आपका अब उस सेम डॉक्टर के पास जाने का मन नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, कई कई अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से दोबारा से टेस्ट करा सकते हो, बार बार जो है वो अलग अलग डॉक्टर्स को विजिट कर सकते हो, किसी ना किसी तरह से रीअश्योरेंस लेने के लिए, मन के सुकून के लिए आप बार बार अलग अलग तरीके के अल्टरनेटिव मेडिसिन या दूसरे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ जा सकते हो। तो ये भी जो आपका जो डिस्ट्रेस ना बढ़ जाए, आपकी सीवियरिटी ना बढ़े, इसके लिए भी ये रेगुलर विजिट्स को शेड्यूल करना जरूरी है, ताकि थोड़े थोड़े स्पैन के बाद,
थोड़े थोड़े टाइम के बाद आपको एक रेगुलर डॉक्टर के पास जाकर उनकी सलाह मिल सके और वो मॉनिटर कर सके कि आप जैसे भी मेंटेन कर रहे हो सही से कर रहे हो या नहीं, और जो भी रिलेवेंट कुछ काम अगर करना होगा, कोई टेस्ट कराना होगा या किसी भी तरह से कुछ और जरूरी स्टेप्स लेने होंगे, तो वो आपको वहां पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद रेगुलर विजिट्स आपको साइकोलॉजिकली, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली दोनों तरीके से हेल्प करेगा। सिम्टम के डिस्ट्रेस को वैसे भी कम करने में हेल्प करेगा, आपको अटेंशन अच्छी मिलेगी, डॉक्टर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा बनेगा, डॉक्टर का पूरा कंसर्न आपको मिलेगा, डॉक्टर जो आपकी जो परेशानी है, बीमारी है, उसके प्रति बहुत तरीके से आपको अटेंशन दे पाएंगे, कंसर्न दे पाएंगे, और साथ ही साथ आपका डॉक्टर पर भरोसा बनेगा, जिससे कि आप दूसरे डॉक्टर्स के पास नहीं जाएंगे, आपकी ये जो आदत है ये पूरी तरह से छूट सकती है। तो केयर एमडी अप्रोच का मेजर जो फोकस होता है वो ये कि लोग अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाना, बार बार मेडिकल टेस्ट कराना ये छोड़ें, क्योंकि जब तक ये नहीं छूटेगा पेशेंट के डिस्ट्रेस में कमी आना शुरू नहीं होगा, मतलब पेशेंट जो है वो बेटर होना शुरू नहीं होगा, उसको रिलीफ मिलना शुरू नहीं होगा। तो रिलीफ मिलने का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप डॉक्टर्स के पास जाना, टेस्ट कराना कम करें। तो पहले दो स्टेप तो हो गए कि डॉक्टर से मिले, डिटेल दी, टेस्ट करा लिए, खत्म, अब फाइनल डेफिनेट डायग्नोसिस हो गया, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर है। अब ये आर वाले स्टेप से एक्चुअल थेरेपी आपकी शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट आता है केयर एमडी अप्रोच का ई वाला स्टेप, मतलब एम्पैथी, जिसमें क्या हो रहा है कि डॉक्टर आपको ध्यान से, पेशेंट्स के साथ, समझ के साथ आपको सुन रहा है। डॉक्टर सिर्फ आपकी बात को हूं हाँ हाँ नहीं कर रहा, डॉक्टर सिर्फ ये नहीं कह रहा अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, वहम है मन का, क्यों इतना सोचते हो, ये करो वो करो, ऐसे नहीं कर रहा डॉक्टर। डॉक्टर एक्चुअल में आपको सुन रहा है, एम्पैथी दे रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, वो जानता है या जानती है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइन है, ये कोई फेक सिम्टम्स नहीं है। वो एम्पैथी के साथ सुनना पेशेंट को, पेशेंट के मन में ट्रस्ट डेवलप करता है, भरोसा डेवलप करता है, पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, पेशेंट की जो कोपिंग स्किल्स है उस पर उसकी मोटिवेशन को बढ़ाता है, और साथ ही साथ पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि भाई बार बार डॉक्टर्स के पास या टेस्टिंग के लिए मत जाओ, ज्यादा अप्रोच मत करो, इसको भी रोकने में हेल्प करता है। तो एम्पैथी मिलने से क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि भाई बाकी लोग, मेरे परिवार के, मेरे दोस्त लोग तो मुझे नहीं समझ रहे, पर ये डॉक्टर मुझे समझता है, ये मुझे सुनता है या सुनती है। तो ऐसे में पेशेंट जो है वो बड़े काम होकर, रिलैक्स होकर अपने ट्रीटमेंट को अप्रोच कर सकता है, वो पेशेंट्स के साथ अपने मैनेजमेंट पर फोकस कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप आता है एम वाला फेस, केयर हो गया, अब एमडी का एम, मेडिकल साइकाइट्रिक इंटरफेस, मतलब अब पेशेंट के लिए यह समझना जरूरी है अपने मैनेजमेंट में कि उसकी जो फिजिकल कंप्लेंट्स हैं वो साइकाइट्रिक ओरिजिन की हो सकती हैं, और अब इस स्टेप पर पेशेंट को अपने साइकाइट्रिक सिम्टम्स को, मतलब अपने स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनको मैनेज करने पर फोकस करना पड़ेगा। तो पेशेंट को माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है, एमडी के अंदर एम जो है हम माइंड बॉडी कनेक्शन भी कह सकते हैं, कि ये जो एम है मतलब माइंड बॉडी कनेक्शन की यहां बात हो रही है, पेशेंट को समझना पड़ेगा कि उसके माइंड की वजह से, उसके थॉट्स की वजह से, उसके ब्रेन, उसकी न्यूरॉन्स, उसकी नर्व्स की वजह से उसके बॉडी के अंदर सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो नर्व्स की सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जिस वजह से बॉडी के अंदर पेन के सिम्टम आ सकते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सरदर्द हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, किसी भी तरह के जो उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उसकी नर्व की सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है, या ये कहें कि हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। तो ये चीज जब पेशेंट समझना शुरू करेगा, माइंड और बॉडी का कनेक्शन समझना शुरू करेगा, तो वो जो भी साइकोलॉजिकल चेंज लाने की तरफ आगे बढ़ेगा उसका एक इफेक्ट देख पाएगा या देख पाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर उसको कहा जा रहा है कि भाई आप अपना मूड ठीक रखने के लिए ये चीजें करो, आप अपने डिप्रेस्ड मूड को बेटर करो, उसका इफेक्ट आपके सिम्टम पे आएगा तो पेशेंट इसके लिए मोटिवेटेड होगा। फिर उसके बाद उसे कहा जाएगा एंजाइटी कम करो, घबराओ मत, और जो भी दूसरे स्ट्रेटेजीज बताई जाएंगी जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में बताई जाती हैं, तो वो उन पर जब वर्क करेगा तो वो जानता होगा कि जब मैं ऐसा वर्क करूंगा या करूंगी अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को चेंज करने पर, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरे फिजिकल सिम्टम्स पर आएगा। जब मैं स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, ये सब जब करूंगी या करूंगा तो उसका इंपैक्ट मेरे फिजिकल सिम्टम्स पर आएगा, मतलब वो रिलीफ हो जाएगा उसमें। तो ये जो माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है ये पेशेंट जब समझता है और इसके लिए जब एफर्ट्स उठाता है
तो वो एम वाले पार्ट में हम फोकस करेंगे जो कि उसके ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। और इसके लिए एजुकेशन की भी जरूरत है, मतलब एजुकेशन अपने माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में। पेशेंट को मॉनिटर करना बताया जाएगा कि देखो कैसे जब आपको स्ट्रेस होता है तो ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, कैसे जब आपका स्ट्रेस कम होता है आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप अपने दूसरे काम में बिजी हो जाते हो, तो ये जो सिम्टम है इससे रिलेटेड जो डिस्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से जब माइंड बॉडी कनेक्शन समझा जाता है तो मैनेजमेंट में, ट्रीटमेंट में काफी हद तक सक्सेस मिलने लगती है, प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर इस प्रिंसिपल पर वर्क नहीं कर रहा कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्त रहो, मजे में रहो, चिंता मत करो, इधर उधर की बातें मत सोचो, ठीक हो जाओगे, ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, फिजिकली आ रही है प्रॉब्लम, बट साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से आ रही है। तो जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, सोमेटोफॉर्म, सोमेटाइजेशन, सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स, ये जो सोमेटिक वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इनका मतलब ये नहीं होता कि शरीर जो है वो अपने आप नए नए सिम्टम्स बना रहा है जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई रीजन नहीं है। रीजन है, शरीर में रीजन ना होकर यहां माइंड में, ब्रेन में, थिंकिंग में, इमोशंस में रीजन है। जब हम ये समझने लगते हैं और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को मैनेज करते हैं तभी फिजिकल सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। तो ये कहना कि मन का वहम है, जैसे घर वाले आमतौर पे घर वाले बोलते हैं मन का वहम है, फालतू सोचता रहता है, सोचती रहती है, कुछ नहीं हुआ तुझे, अपना खुश रहा करो, खाया पिया करो, दौड़ा भागा करो, काम में व्यस्त रहा करो, ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसे में आप अपना डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो समझ नहीं पा रहे, उस डायरेक्ट कनेक्शन को रिलीव नहीं कर पा रहे। इसलिए इस स्टेप का मतलब हुआ कि यहां एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मेडिकल और साइकोलॉजिकल दोनों सिम्टम्स का आपस में कनेक्शन है। लास्ट डी वाला स्टेप आता है केयर एमडी में, डू नो हार्म। इसका मतलब यह हुआ कि पेशेंट को गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी, पेशेंट को अनरियलिस्टिक तरीके से अपने ऊपर फोकस करना या अपनी प्रॉब्लम्स को देखना नहीं बताना, मतलब उसे ये नहीं कहना कि भाई तुम ठीक हो, मन का वहम है, ये भी इसके अंदर आता है। उसको बार बार जो टेस्ट कर रहा है जिस वजह से उसका नुकसान हो रहा है, पैसे का भी नुकसान, उम्मीदों का नुकसान, ट्रीटमेंट हो नहीं रहा और पेशेंट की जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है वो भी वर्स होती जा रही है। बार बार डॉक्टर्स के पास विजिट करने से जो उसका अगेन पैसों का भी नुकसान हो रहा है और डॉक्टरों पर भरोसा खत्म हो रहा है, वो भी उसको नुकसान करेगा लंबे टाइम में, ये नहीं करना। इन सब चीजों को अप्रोच करना हम कहेंगे डू नो हार्म, मतलब पेशेंट को इस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि वो अपना नुकसान ना करे, ना डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स उसका नुकसान करें और ना ही पेशेंट खुद अपना नुकसान करें। डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स कैसे नुकसान कर रहे हैं कि उसको बार बार टेस्ट करा रहे हैं, तो डॉक्टर्स को ध्यान रखना जरूरी है कि वो बार बार पेशेंट को ये ना कहें टेस्ट करा के आओ, ये करो, वो करो। तो जिन डॉक्टर्स को ये केयर एमडी अप्रोच का नहीं पता होता या वो इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते या वो साइकाइट्रिक डायग्नोसिस या डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत अवेयर नहीं होते, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, वो क्या करते हैं, पेशेंट्स को कहते हैं कि टेस्ट करा के लाओ। एक और हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट कराओ, पेशेंट भी बड़े मजे से टेस्ट कराते हैं कि भाई इस बार डॉक्टर कुछ नया बताएगा। फिर एक नए क्लिनिक पे चले जाते हैं, सरकारी जाएंगे, प्राइवेट जाएंगे, हर बार नए नए टेस्ट, नए नए टेस्ट। तो ये नुकसान हो रहा है पेशेंट का। और यहां नुकसान क्या है कि आपको कुछ पता तो चल नहीं पा रहा और बार 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 आप बस इसी में उलझे हुए हो। धीरे 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 आपके सिम्टम की सिवियरिटी बढ़ जाएगी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के लेवल बढ़ जाएंगे। ऐसे में पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा हताशा, डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। और ऐसा देखा जाता है कि करीब 10 से 30% पेशेंट्स, अलग अलग स्टडीज में देखा गया, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 30, ऐसे करके अलग अलग परसेंटेज देखी गई कि 10 से 30% पेशेंट्स सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर से कभी रिकवर नहीं कर पाते और उनकी कंडीशन वर्स हो जाती है, जिसमें सबसे बड़ा रोल होता है बार बार डॉक्टर्स के पास जाना और टेस्ट कराना, ये सबसे बड़ा रोल होता है। इसके अलावा दूसरे भी कारण होते हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन, सब्सटांस अब्यूज, डिप्रेशन की हिस्ट्री, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री और कोई दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री का होना, बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस और कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स का होना, सब रिस्पॉन्सिबल है। बट बिहेवियर में अगर देखा जाए तो पेशेंट क्योंकि बार बार डॉक्टर्स के पास जा रहा था तो वो इतना डिस्ट्रेस्ड हो चुका होता है, उसका फेथ इतना टूट चुका होता है डॉक्टर्स के ऊपर से कि हम कहेंगे कि पेशेंट्स का नुकसान हुआ है, मतलब पेशेंट्स अब ट्रीटमेंट सही अप्रोच के साथ नहीं ले पा रहा है, वो बेटर नहीं कर पाएगा, वो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मैनेजमेंट अपनी नहीं कर पाएगा। जबकि जो लोग टेस्ट कराना बंद करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाना बंद करते हैं, परेशान होना बंद होते हैं, थेरेपी प्रॉपर लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन जो उनको दी जा रही हैं उनका प्रॉपर यूज करते हैं बजाय कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने के, दवाइयां लेने के,
उन लोगों में ज्यादा अच्छी रिकवरी रेट आती है। और ऐसा देखा गया है कि 50-70% पेशेंट्स बहुत अच्छा रिकवर कर सकते हैं अगर सही तरीके से मैनेज कर लें, क्योंकि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर अलग अलग टाइम पर अपना रूप बदलता रहता है। मतलब कभी कोई एक सिम्टम पकड़ लेगा पेशेंट, कभी कोई दूसरा सिम्टम पकड़ लेगा, कभी किसी तरीके की प्रॉब्लम से वो जूझेगा, कभी किसी और तरह से जूझेगा, कोई सिम्टम उसको 2 महीने के लिए पकड़ेगा तो कोई 2 साल के लिए पकड़ेगा। तो आते जाते भी रहते हैं सिम्टम्स, और एक ही टाइम पर कई सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या है कि डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन, उसका जो रिकवरी रेट है, उसका जो पूरा जो प्रोग्नोसिस है, कोर्स है, वो वैरी करता है। बट ज्यादातर केसेस में पेशेंट 50-70% पेशेंट जो है वो काफी हद तक रिकवर कर जाते हैं अगर सही तरीके से वो धीरे 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 ट्रीटमेंट लें। ये वो लोग हैं जिनमें से कुछ पेशेंट तो स्पॉन्टेनियसली रिकवर करेंगे, अपने आप ही रिकवर कर जाएंगे क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, पर जिन लोगों ने डॉक्टर्स पर भरोसा बनाया होगा और उनको अच्छे डॉक्टर थेरेपिस्ट मिले होंगे, तो ऐसे में भी उनका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। साथ ही साथ डू नो हार्म के अंदर एक और पॉइंट आता है कि पेशेंट के दिमाग में कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स बैठ जाने चाहिए। जैसे वो अनरियलिस्टिकली सोच रहा है, उसको लग रहा है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, इससे दूर होना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से पेशेंट जो है वो डॉक्टर्स के पास, मेडिकल टेस्टिंग के जो सेंटर्स हैं उनके पास बार बार जाता है कि कोई बड़ी बीमारी होगी, उसको पकड़ो, उसको जानो, उसको देखो कि वो क्या हो सकती है। तो ये जो पेशेंट के दिमाग में जो प्री ऑक्यूपेशन है कि कोई बड़ी बीमारी होगी, इसको दूर करना जरूरी है। तो पेशेंट को ये रीअश्योरेंस मिलना जरूरी है कि भाई आपको कोई बड़ी सीरियस बीमारी नहीं है। ये जब रीअश्योरेंस पेशेंट को मिल जाती है, पेशेंट के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उसको कोई बड़ी मेडिकल सीरियस इलनेस नहीं है, तभी पेशेंट अपने रिकवरी के लिए आगे बढ़ पाता है। अदरवाइज पेशेंट स्टक रहेगा, अटका रहेगा और वो अपने ट्रीटमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा, मैनेज नहीं कर पाएगा अपनी कंडीशन को। तो डू नो हार्म के अंदर आएगा कि पेशेंट को रीअश्योरेंस मिले, उसके दिमाग से ये जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है ये खत्म हो कि वो बहुत बीमार है या अब वो खत्म हो जाएगा, सुसाइडल थॉट आ रही है, ये सारी चीजें जब मैनेज होती हैं तो हम कहेंगे कि पेशेंट जो है वो अब अच्छे से रिकवर कर पाएगा। तो ये जो पूरी अप्रोच रही 6 स्टेप्स की केयर एमडी अप्रोच जो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस की, उम्मीद है ये आपको नॉलेज देगी, इंफॉर्मेशन देगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट को डॉक्टर्स थेरेपिस्ट अप्रोच करते हैं, कैसे उसको डील करते हैं, कैसे साइकोलॉजिकल और मेडिकल सिम्टम्स के बीच का तालमेल बना के उनको मैनेज किया जाता है, और किस तरह से केवल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर काम करके ही पेशेंट जो है वो अपने सिम्टम्स को रिलीफ भी कर पाता है, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को भी कम कर पाता है, जिससे कि पेशेंट का सिम्टम भले ही रहे पर उसका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, उसको लेकर जो उसके मन में जो इतनी नेगेटिविटी है और अपने फ्यूचर को लेकर जो इतनी होपलेसनेस है, वो खत्म हो जाती है। तो यहां पर ध्यान देना है कि क्योर की तरफ अप्रोच नहीं करना। ऐसा नहीं है कि वो सिम्टम जो है उसको क्योर कर दिया जाए, वो सिम्टम रहे, हमें नहीं पता कि वो क्या रीजन हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से है या वो किसी बड़े किसी साइकोलॉजिकल कारण की वजह से है, पर उस सिम्टम के ऊपर जो पेशेंट जो अपनी साइकोलॉजिकल रिएक्शन दिए जा रहा है, परेशान किए जा रहा है, खुद को इमोशनली डिस्ट्रेस्ड किए जा रहा है, उसको दूर करने की तरफ हमारा सारा फोकस होता है। तो सिम्टम क्योर हो ना हो वो मैटर नहीं करेगा, सिम्टम के रहते हुए पेशेंट की साइकोलॉजिकल रिएक्शंस कम हो जाए, ये टारगेट होता है। तो ये वीडियो मैं अब यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये जानकारी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिसको इस वीडियो से बहुत मदद मिल सकती है, आपके फैमिली मेंबर, फ्रेंड, रिलेटिव कोई भी हो सकते हैं। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।